हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इस लॉकडाउन में आप अपने इंडिगो फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप इंडिगो फ्लाइट की टिकट ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करेंगे। चाहे आपको डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुक करनी हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल में जाके सर्च करेंगे इंडिगो फ्लाइट। इंडिगो फ्लाइट सर्च करने के बाद इंडिगो फ्लाइट के ऑफिशियल लिंक आएगा नीचे, उस लिंक पे क्लिक करके आप पेज ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं www.goindigogo.in, जो इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस लिंक पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पेज ओपन हो गया इंडिगो फ्लाइट की टिकट बुकिंग करने का। यहाँ पे देखिए फ्लाइट बुकिंग करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं ताकि पेज ओपन हो जाए फुल अप। तो चलिए, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप मोड कर लिया तो यहाँ पे पेज पूरा ओपन हो गया, अच्छे से यहाँ पे दिखेगा, पूरा फुल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लाइट का ऑप्शन, बैग, सीट और ऑफर, कैरेक्टर, यहाँ पे बुक फ्लाइट, चेक इन, फ्लाइट स्टेटस, एडिट बुकिंग, हेल्थ, कॉन्टेक्ट डिटेल आदि का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे बुक है फ्लाइट का ऑप्शन है। यहाँ पे ये बुक फ्लाइट पर रहने देंगे। यहाँ पे वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी ट्रिप करके ऑप्शन आ रहा है। यदि मल्टी ट्रिप पे हम क्लिक करते हैं तो एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे सिटी तीसरे सिटी तक बुक कर सकते हैं टिकट। तो ये फिलहाल हम वन वे रहते हैं, हमें इंडिया के लिए कल टिकट बुक करना है। यहाँ पे फॉर्म कहाँ से भरना है, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, दोहा सिलेक्ट कर सकते हैं, दमाम है, यहाँ पे कुवैत है, रियाद है, अबू धाबी है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी कंट्री है, बैंकॉक है, यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम दोहा का तरी रहने देते हैं। और यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे कहाँ के लिए जाना है हमें, यहाँ पे टू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिल्ली है, इंडिया में कौन सा एयरपोर्ट, हैदराबाद है, पटना, गुवाहाटी, इंडिया के सभी एयरपोर्ट का लिस्ट है। यहाँ पे जो भी एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिपार्टर टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम 3 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो आगे देखेंगे यहाँ पे रिटर्न हमने नहीं किया तो रिटर्न का ऑप्शन नहीं। यहाँ पे पैसेंजर सेलेक्ट कर लेना है, डबल यहाँ पे पैसेंजर देखिए एडल्ट में यहाँ पे कितने बैग्स हैं, एक है, दो है, कितने बैग्स हैं, कितने लोगों का टिकट बुक करना है, आप यहाँ से क्लिक करके एक दो क्या कर सकते, तीन चार जितने लोगों का टिकट बुक करना है। तो फिलहाल हम एक ही लोग का रहने देते हैं। और चिल्ड्रन पे देखिए, 2 से 12 साल के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वहाँ कितने हैं, एक है, दो है या नहीं है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि दो है तो दो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ से जीरो ही रहने दीजिए। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ इन्फेंट्स करके आ रहा है, जो 7 से 12 मतलब 2 साल के बच्चे हैं, मतलब 7 दिन से लेकर 2 साल के बच्चे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, एक है, दो है, क्या या जीरो है, तो जीरो ही नहीं है साथ में तो जीरो ही रहने दीजिए। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फुल फिलअप हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पे यहाँ पे कतारी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर, यूएई दिरहम, रियाल, यूरो, क्या आप जो भी जिस भी आप करेंसी में पे करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स क्या है, मीनर क्या, आप यहाँ पे टिकट का कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर देंगे। सर्च फ्लाइट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्लाइट सर्च हो रहा है, ठीक है, दोहा से दिल्ली के लिए फ्लाइट 30 सितंबर में सर्च हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगला पेज खुल के आया है, एडल्ट, यहाँ 3 सितंबर में दोहा से दिल्ली के लिए एडल्ट एक पैसेंजर के लिए जो 742 कतर रियाल में है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए इंडियन एम्बेसी में। देखिए दोहा, कुवैत, दमाम एंड रियाद, यहाँ से आप इंडिया वापस जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फ्लाइट का लिस्ट दिया है, मतलब कौन कौन डेट में फ्लाइट जा रही है। देखिए यहाँ पे बॉम्बे के लिए, दिल्ली से बॉम्बे के लिए फ्लाइटें जा रही हैं, और यहाँ पे देखिए कितना 742 रुपये चार्ज है। और यहाँ सबसे ऊपर में देखिए 2-3 यहाँ पे शो कर रहा है, जितने यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे टिकट का पूरा डिटेल ले सकते हैं। देखिए दोहा से दिल्ली के लिए थर्सडे 3 सितंबर को यहाँ पे शो कर रहा है, 742 दिरहम चार्ज इसका दिखा रहा है, 25 kg पर पर्सन बैग का चार्ज, यहाँ पे बैग का फुल डिटेल जा सकते हैं। यहाँ पे दोहा से बॉम्बे के लिए देखिए, दोहा से मुंबई टर्मिनल 2 पे जा रही है, और बाया होके यहाँ पे देखिए बॉम्बे से टर्मिनल 2 से यहाँ पे फिर दिल्ली के लिए फ्लाइटें जा रही हैं 4 अगस्त में। यहाँ पे देखिए रेगुलर फेयर दिया है, एडल्ट क्वान्टिटी दिया है, PCR पैसेंजर फैसिलिटी
चार्ज यहाँ पे और पैसेंजर सर्विस चार्ज कितना 35, यहाँ पूरा मतलब डिटेल दिया है, पूरा डिटेल आप दे सकते हैं और भी यहाँ काफ़ी सारी डिटेल्स है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है। इंडिया में आप जा रहे हैं तो वहाँ का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ देखिए इंटर मोबाइल नंबर डालना, आपको ईमेल आईडी डालनी है ताकि ये लोग आपके मैसेज भेज सकें, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने डाल लेते हैं, उसके बाद उस ईमेल आईडी अपना टाइप कर लेते हैं ताकि ये लोग नोटिफिकेशन भेज सकें। तो चलिए हमने टाइप कर लिया दोनों, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको आर यू आर रेसिडेंट एनी मेंबर कह रहा है कि आपके जैसे यूरोप कंट्री में कोई और फैमिली मेंबर है तो आप एस पे क्लिक कर दें, एस कर दें, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद जीएसटी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, आप यदि जीएसटी नंबर है तो आप टाइप कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, नहीं है तो वैसे करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए सर्च कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, सर्च हो रहा है। देखिए ऐड पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ गया, सर्च करने के बाद यहाँ पर ऐड पैसेंजर आपके वन पैसेंजर है, यहाँ पर मिस्टर है, मिसेज है, क्या है आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मिस्टर सेलेक्ट जो भी है आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर डाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सरनेम टाइप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम अपना डाल दीजिए, यहाँ पे लास्ट नेम हम टाइप कर लेते हैं। लास्ट नेम टाइप करने के बाद और नीचे जाएंगे तो पासपोर्ट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से पासपोर्ट डिटेल आपको फिलअप करना है, पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम पासपोर्ट नंबर टाइप कर लेते हैं। पासपोर्ट नंबर टाइप करने के बाद पासपोर्ट डेट ऑफ एक्सपायरी मांग रहा है, पासपोर्ट आपका कभी एक्सपायर हो रहा है, डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से महीने में और कौन से साल में यहाँ पे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 2022 हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2022 में, और वह व्हील चेयर असिस्टेंट रिक्वायर्ड, यदि आपको व्हील चेयर की जरूरत है, आपके साथ में कोई विकलांग व्यक्ति है तो जरूरत है तो आप कर सकते हैं और उसको करना स्किप कर सकते हैं। तो वह कंटिन्यू टू ऐड पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू टू ऐड आंस पे क्लिक कर देंगे, और कंटिन्यू टू ऐड्स आंस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए अगला पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए राकेश कुमार यहाँ पे एडेड पैसेंजर डिटेल दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए ऐड्स आन दोहा से दिल्ली, और यहाँ पे कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट, यहाँ पे कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट पे करके यहाँ से सीट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे विंडो सीट सेलेक्ट करना है, फ्रंट सीट, आगे का सीट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको चार्ज पे करना होता है। तो कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, चलिए सिलेक्ट कंटिन्यू टू सीट सिलेक्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे सीट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जे बी आर आर करके लिखा है, इन सब में पैसे लगेंगे। जो भी आप सीट सिलेक्ट करते हैं, विंडो यहाँ सेलेक्ट करना है, असिग्नेंट, फ्री, ऑक्यूपेशनल, नॉन रिसेलिंग सीट, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप अपना सीट सिलेक्ट कर सकते हैं, विंडो सेलेक्ट करना है या फ्रंट का सीट सिलेक्ट करना है, कौन सा सीट आप सेलेक्ट करना है, आप अपनी मर्जी से इसलिए सीट बुकिंग करना चाहते हैं। इसके कुछ पे चार्ज करने में 150 मतलब इंडियन मनी से 150 रुपये से 300 रुपये ऐसे कुछ लगता है चार्ज, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कतर रियाल में पे करते हैं तो उसका जो भी चार्ज होगा उसका वहाँ के रियाल के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सीट सिलेक्ट कर लीजिएगा, यदि नहीं पे करना चाहते पैसे तो स्किप सीट सिलेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है, स्किप सीट पे क्लिक कर देना और आपको पैसे सीट के पैसे नहीं देने पे करने पड़ेंगे अलग से एक्स्ट्रा। तो चलिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आ गया, यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से और मीटर है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, और यहाँ पे बाउचर है तो बाउचर के से पे कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर आपको इंटर कर देना, जो भी आपका कार्ड नंबर है, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ है, यहाँ पे एक्सपायरी ईयर, कार्ड का जो एक्सपायरी
ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फुल नेम सेलेक्ट करना है, CVV लास्ट का जो 3 कोड नंबर होता है वो पे करना है और उसका पेन आउट पे क्लिक कर देना है, आपका टिकट बुक हो जाएगा। आपके मोबाइल पे और ईमेल पे मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा और जो भी आपके टिकट की कॉपी है ईमेल के माध्यम से आपके ईमेल नंबर पर भेज दी जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल का तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके आप क्लिक कर देना ताकि आने वाली ऐसी जानकारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और फ्लाइट बुकिंग से संबंधित जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।